फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बने बदमाशों ने लूटे 50 टन सरिया लदी ट्रक। हनुमना बॉर्डर पर बेहोश मिला ट्रक चालक। और आई कोतवाली के भदोही और आई मार्ग स्थित बबनौटी गांव स्थित ढाबे के समीप सेल टैक्स ऑफिसर बन बदमाशों ने ट्रक चालक को बंधक बनाकर ट्रक समेत उस पर लदी 50 टन सरिया लूट लिए। खबर भदोही संवाददाता के फारूकी द्वारा की गई रिपोर्ट। घटना के बारे में बताया जाता है कि गोपीगंज कोतवाली के नथईपुर गांव निवासी श्री प्रकाश मिश्रा मां दुर्गा ट्रांसपोर्ट छत्तीसगढ़ से 50 टन सरिया ट्रक से लेकर आजमगढ़ जा रहे थे और आई भदोही मार्ग के बबनौटी में ढाबे के समीप ट्रक को रोककर अपने दूसरे ट्रक चालक साथी के ट्रक का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान एक वाहन पर सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग पहुंचकर चालक से इनकम टैक्स ऑफिसर होने की बात कहकर कागज देखने के बहाने ट्रक के ऊपर चढ़कर चालक को मारपीट कर घायल कर दिए और चालक को बंधक बनाकर अपने कार में ले लिए। अन्य बदमाशों के साथ ही ट्रक संख्या CG0LP7251 को लेकर फरार हो गए और चालक को हनुमना बॉर्डर के पास खड्ड में धकेल दिया। होश आने पर ट्रक चालक ने लोगों को आपबीती सुनाई और डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस गंभीर घायल चालक का उपचार करवाकर और आई थाना में सूचना दी। साथ ही चालक के द्वारा ट्रांसपोर्ट के मालिक संदीप मिश्रा को भी सूचना दी। खबर लिखे जाने तक सरिया लदे ट्रक और बदमाशों का पता नहीं चल पाया था। ट्रक पर 50 टन सरिया लदी थी जिसकी कीमत लगभग 32 से 35 लाख बताई जाती। आपका नाम बताइए। श्री प्रकाश मिश्रा, श्री निधि नारायण मिश्रा, नथईपुर। अच्छा, नथईपुर के रहने वाले। क्या हुआ आपके साथ हादसा? हमारे साथ हादसा हुआ कि बदमाश लोग आए और उसके बाद बोले कि मैं सेल टैक्स वाले हूँ। अच्छा, ये गाड़ी कहाँ खड़ी थी आपकी? गाड़ी बभनौटी खड़ी थी, ये ढाबे पे, एक दुबे ढाबा है वहीं पे। अच्छा, दुबे ढाबा। तो आप कहाँ से आ रहे थे? छत्तीसगढ़ रायपुर। क्या माल लोड था आपकी गाड़ी पे? टीएमटी। उसका टीएमटी बोले तो सरिया लोड था। तो ये आपका यहाँ पर दुबे ढाबा पर ये जो कांड हुआ तो कैसे हुआ ये? वही वो लोग आए बोले कि मैं सेल टैक्स ऑफिसर हूँ, कागज दो, लाइसेंस दो, और इतना कहते गाड़ी पे चढ़ गए, अंदर में मारपीट करने लगे। मारपीट करने के बाद मुझे पूरा बंधक बना लिए। बंधक बनाने के बाद गाड़ी लेकर चल दिए। परिवार से 10 लोग थे। अच्छा, तो ये गाड़ी कहाँ लेके गए कुछ आपको आया समझ में? नहीं समझ में आया। अच्छा, तो आपकी गाड़ी का लोकेशन कहाँ तक मिला है? देवनाथपुर तक लोकेशन GPRS से मिला है। वारदात होने के बाद में आपके साथ ये जो घटना घटी है तो फिर आपको कैसे पता चला? आपको कहाँ छोड़े ये लोग? ये लोग तो मारने पीटने के बाद ले गए हनुमना बॉर्डर के पास में छोड़े हैं। करीब 4 बजे रात में छोड़े हैं वहाँ। वहाँ से फिर ढाबे के पास गया, वहाँ से फिर फोन किए सेठ को। कौन से ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है आपकी? यह है माँ दुर्गा ट्रांसपोर्ट। आपके सेठ का क्या नाम है? संदीप मिश्रा। ये कहाँ के हैं? ये तो है हरदेवपुर गोपीगंज। और माल लोडिंग कहाँ से हुआ था? रायपुर छत्तीसगढ़। जाना था आजमगढ़ पवई। अच्छा, पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।